नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में परिणाम 2019 से ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया था सिवाय छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के, वहीं इस बार भी सेम परिणाम आने वाले हैं। वहीं 2024 में मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से वही जीत दोहरा रही है। बस फर्क ये रहने वाला है कि बीजेपी के जीत का जो मार्जिन रहेगा वो कम हो जाएगा। वोटिंग से पहले पूरे देश में ही एक लहर सी चल रही है कि इस बार फलाना प्रत्याशी को नहीं जीता, क्योंकि बीजेपी ने ज्यादातर सीटों में अपने प्रत्याशी दोहराए हैं और जो जनता की मांग रही है, इनको 2-3 पंचवर्षीय हो चुका है या पिछले जो सांसद थे कामकाज ठीक नहीं रहा, उनको बदलने की मांग चल रही थी, बीजेपी ने ये बात नहीं सुनी, कई जगह रिपीट किया है, तो उन जगह भी बीजेपी जीत रही है। लेकिन जो वहां मुकाबला रहने वाला है, कांटे का मुकाबला होगा। चुनाव परिणाम 4 जून को आपको पता लग ही जाएंगे, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं, ये जो सर्वे है ना, ये सर्वे इस बात को बता रहा है कि बीजेपी ही आ रही है और सेम जो सिचुएशन 2019 में थी वैसे ही उतनी ही सीटें आ रही हैं। अक्सर चुनावों में जो हम देखते हैं, वोटिंग से पहले जो हम देखते हैं, सुनते हैं, प्रचार प्रसार, भीड़, ये वो सब कुछ, वैसा वोटिंग वाले दिन नहीं होता है, क्योंकि मतदाता का जो माइंड है ना, वो करीब करीब एक घंटा या एक दिन पहले ही चेंज होता है और जो हवा का रुख है वो बदलता रहता है। एक हफ्ते पहले आप देखेंगे किसी और की लहर चल रही, हवा चल रही, आंधी चल रही, फलाना चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे जब वोट करने वोटर जाता है तो वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री, जो जागरूक वोटर है वो प्रधानमंत्री चेहरा देखता है। और इस बार भी लोगों ने मोदी को ही देखा है और मोदी फैक्टर की वजह से उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ज्यादा है कांग्रेस से प्रेरित होकर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, उम्मीदवार से खफा होकर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। विंध्य की 4 लोकसभा सीट रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, यहाँ पर चुनाव नतीजों से पहले ही सब कुछ क्लियर हो चुका है और यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लगभग मान भी चुके हैं कि चुनाव के जो नतीजे हैं वो उनके फेवर में नहीं जाने वाले। हाँ, ये है कि रीवा, आप देख लीजिए, रीवा में जनार्दन मिश्रा, वहीं नीलम अभय मिश्रा, टक्कर का मुकाबला था, लेकिन वोटिंग के दौरान, वोट वाले दिन पता पड़ गया कांग्रेस पार्टी को, अभय मिश्रा को, नीलम अभय मिश्रा को पता चल गया कि यहाँ ये सीट अब नहीं जीती जा सकती इस 2024 में। रिजल्ट से पहले ही सब कुछ क्लियर हो चुका है कि बीजेपी का परसेंटेज, जो वोट परसेंटेज है, वो एमपी में ही नहीं, विंध्य में ही नहीं, पूरे देश में घटा है, लेकिन कई जगह बीजेपी को फायदा भी हुआ है, कुछ सीटों का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है प्रत्याशियों की वजह से। यहाँ पर अगर हम बात करें रीवा, सीधी, सतना और शहडोल, शहडोल में बीजेपी जीत रही है अच्छे मतों से, वहीं रीवा में बीजेपी जीत रही है इस बार टिकट देकर। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नीलम अभय मिश्रा को केवल 4 विधानसभा सीटों से ही 60% वोट मिल पाए हैं, वहीं जनार्दन मिश्रा को 8 लोकसभा सीटों से, 4 लोकसभा सीट में जनार्दन मिश्रा को 80% वोट मिले हैं, वहीं 4 लोकसभा सीट में जनार्दन मिश्रा को 30% वोट मिले हैं। रीवा में 8 विधानसभा सीट है, जैसा कि आपको पता है, रीवा, गुड़, सिरमौर, सिमरिया, देवतलाव, मनगवा, मऊगंज और त्योंथर, इनमें से सिरमौर, सिमरिया और रीवा, यहाँ से कांग्रेस पार्टी को खूब वोट मिले हैं, करीब 60% के आसपास वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को बाकी जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से अच्छे खासे वोट मिले हैं। अभी फिलहाल रीवा की 8 विधानसभा सीटों में से 1 सीट सिमरिया कांग्रेस पार्टी के पास में है, अभय मिश्रा विधायक है, काफी कम वोटों से जीते हुए हैं, यहाँ पर बीएसपी का भी काफी दबदबा रहा है। सतना लोकसभा सीट से भी बीजेपी के गणेश सिंह जीत रहे हैं, गणेश सिंह का काफी विरोध हुआ, गणेश सिंह के बराबर तो विरोध मुझे नहीं लगता विंध्य की किसी भी सीट पर हुआ होगा। गणेश सिंह विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं सतना का, सिद्धार्थ कुशवाहा से, सतना से फिर वही कैंडिडेट, लेकिन इस बार पासा पलट गया, होता वही है लोकसभा चुनाव में, जैसा कि मोदी फैक्टर काम करता है इस बार भी काम कर गया है, जब मतदाता वोट करने जाता है
तो उसके माइंड में प्रधानमंत्री की छवि याद आती है, प्रधानमंत्री याद आते हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने की खातिर गणेश पटेल को, गणेश सिंह को वोट किया है। गणेश सिंह ने जमकर मेहनत किया है, गणेश सिंह ने अच्छा प्रचार प्रसार किया है और इस मेहनत का नतीजा ये है कि गणेश सिंह पांचवी बार सांसद बनने जा रहे हैं। तो यहां से सतना से भी क्लियर होता दिख रहा है कि गणेश सिंह जीत रहे हैं। वोट का मार्जिन कम हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया यहां भी त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था क्योंकि बीएसपी से नारायण त्रिपाठी यहां पर हैं, तो इन्होंने काफी वोट काटे हैं। बीएसपी का वोट तो आई है जो कि हाथी पे जाता है, जो एसटी एससी वर्ग के वोटर्स हैं, वहीं सवर्ण वोट भी इन्होंने काटे हैं नारायण त्रिपाठी ने, और बहुत सारे ऐसे समाजों के वोट हैं जो नारायण त्रिपाठी ने काटे हैं। करीब करीब कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख वोट नारायण त्रिपाठी काट के ले जाएंगे। तो यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास नारायण त्रिपाठी को वोट मिलते दिख रहे हैं। वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा की बात करें, सिद्धार्थ कुशवाहा का जो अपना समाज है और जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं वही वोट कर पाए हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कुशवाहा और गणेश सिंह का जो वोटों का फासला रहने वाला है वो मार्जिन 1-1.5 लाख के आसपास ही होता दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि गणेश सिंह काफी मार्जिन से जीतेंगे, 1-1.5 लाख के अंतर से गणेश सिंह चुनाव यहां पर निकाल रहे हैं सतना में। सीधी की बात करते हैं, यहां से एक बार फिर कमलेश्वर पटेल को शिकस्त मिलती दिख रही है और कमलेश्वर पटेल मतदाताओं को लुभा नहीं पाए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को रख नहीं पाए। और एक तो क्या है कि उनके अपने ही पार्टी के लीडर, जाने माने विंध्य क्षेत्र के बड़े नेता अजय सिंह राहुल सपोर्ट कम पड़ गया है। अजय सिंह राहुल भैया ने कम सपोर्ट किया है और कहीं ना कहीं मिली भगत हो गई है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की। ये जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम रीवा के राजेंद्र शुक्ला हैं, आज की डेट में विंध्य के ही नहीं, मैं तो कहता हूं मध्य प्रदेश के अब बड़े पॉलिटिशियन बन चुके हैं। कब कहां कौन सी गोटी बिठानी है, फिट करनी है, किसको कहां लाना है, किसको हराना जिताना, किसको टिकट देना है नहीं देना है, अब सारा का सारा ये दांव है, ये खेल अब इनके हाथ में है, अब ये चाले चल रहे हैं। इस तरीके से ये सारी सीटें बीजेपी की झोली में आ रही हैं। रीवा सीधी सतना शहडोल की चारों सीटें बीजेपी जीत रही है, वोट का मार्जिन कम हो सकता है। बाकी रीवा सीधी सतना में मुकाबला कड़ा है, यहाँ पर आगे पीछे चलता है, जब काउंटिंग होगी तो किसी विधानसभा, किसी पोलिंग बूथ से कहीं किसी से आगे पीछे चलते रहेंगे, ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की खासकर लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी सारी की सारी जीत रही, यहाँ तक कि छिंदवाड़ा में भी नकुलनाथ बहुत मुश्किल से जीत पाएंगे, यहाँ बहुत जोरदार कांटे का टक्कर है। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है, आपके पास कोई समीकरण है, कोई गणित है, किसी कांग्रेस पार्टी की जीत का कोई फार्मूला है, बताइएगा, लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।